बहुत महिला कहती है, आप लोग सबको देखिए बड़ा मजा आ रहा है। और मैं सबसे पहले यहां सब लोगों को बधाई देना चाहती हूं, आप मेरे अभी पिता का किया है। और मैं चाहूंगी कि एक तरफ आप इस मीटिंग के बाद एक चक्कर जरूर लगाए, आरोग्य मेला चल रहा है, रोजगार मेला चल रहा है, उसके साथ साथ फिर उन लोगों को बधाई देना चाहती हूं आज जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है। हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ऐसी योजना है जिसने पूरा राजस्थान हुआ, एक ऐसी योजना है जिसके अंदर जल प्रतिनिधि तो नहीं है पर उसके साथ साथ कर्मचारी भी है, अफसर भी है, पुलिस भी है, आर्मी भी है, बिजनेस भी है और जनरल जनता भी। आज उनको ध्यान में रखते हुए आप चार पांच जन को यहां धरती पर आए, किसी ने 11 लाख दिए, किसी ने 21 लाख दिए, किसी ने 21 लाख और दिए और किसी ने 51 लाख दिए। उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप हम सबकी जिंदगी को बदलने का काम कर रहे हो। मैं जितना भी होंगी वो मैं समझ चुका हूं। हमारे मंच पर बहुत सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, कार्यचरण जी, देवस्थान के मंत्री श्री राज कुमार शिल्वा, जिनको बहुत सारा काम मैंने दिया है, क्योंकि मैं मानती हूं कि कोई भी काम भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर हमारे देवस्थान जो भी है उनको ठीक करने का काम, उनको और व्यवस्थित करने का काम हमको जोरदार तरीके से करने की जरूरत है ताकि भरपूर आशीर्वाद उनका मिलेगा और राजस्थान आगे बढ़ सकेगा। इसलिए आज राजकुमार शिल्वा फ्रेंड्स जी पार्टनर जो हमारे अध्यक्ष है सैनिक कल्याण बोर्ड के, अभी जय सैनिक कल्याण बोर्ड एक ऐसा कल्याण का बोर्ड है। आज एक हमें शहीद के परिवार की हमें विश्वास जहां हम लोग आए हैं उनका हम लोग सबने मिलकर पूरी तरह से दिल से स्वागत नहीं, उनका सम्मान हम सबकी ओर से किया है। मैं मानती हूं कि यही 3-4 डिस्ट्रिक्ट है जहां से लोग जाके और हमारे पूरे इस परिवार को संभालने का काम करते हैं और इसी परिवार का हम पूरे देश के ऊपर वो जाके नहीं सो के पूरा उसका भंडार करके रक्षा करते हैं हम सबका। हम उनको उनके परिवार के सामने पर साथ चुनाव में बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ रही थी और मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा और हो जाता तो 400-400 लोग होते हैं। अब आराम से निकाल के और पूरा का पूरा सीकर का सीकर लोकसभा क्षेत्र एक एक सीकर के जोड़ी लगाने का काम कर रहे थे हमारे हरीश कुमार सुमन जी अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की है। हमारे यहाँ महिलाएं कितनी संख्या में आई है, मैं मानती हूं कि राजस्थान की आधी संख्या हमारी महिला है और आज आप देख रहे हो आपको बड़े खुशी के साथ अपना को यहां जिताया है। आज आपके जिला प्रमुख का पढ़ना है और ये सब परिवार की जो बैठी हुई है ये सब जिला प्रमुख कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार की है और मैं उनके सामने नतमस्तक होकर ये कहना चाहती हूं कि अध्यक्ष महिला आयोग सुमन शर्मा की ओर से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप सब लोग बीच में जाके हमारे जो महिलाओं की मुसीबत है उनको पूरा करने का काम करोगे। नागौर जी राज्य भुगतान बोर्ड के आगे में सांसद होते जी अगर आपको विश्व का काम करने वाले क्या दोनों तरफ से होंगे इसका फायदा हमको मिलेगा। हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक रतन जी और नागौर जी और गोवर्धन जी और मैंने इनको कहा कि चौबू वाले से बोले नहीं सकते हैं तो क्योंकि लोकसभा की सीट है आप बता दीजिए तुम चाहे वो नागौर जी हो चाहे वो रतन जी हो चाहे वो गोवर्धन जी हो गोवर्धन जी मैं यहां पर कैसे जूझ रहे हैं पर गोवर्धन जी हम आपके साथ ऐसे मुसीबत के अंदर भी अच्छा काम करोगे, लोगों को दिल से दिल के साथ जोड़ोगे, सबका प्यार इकट्ठा करोगे, सबको प्यार दोगे तो कोई मुसीबत नहीं होगी। आपको सब कुछ आपके आगे आने वाले
जो अरे कुछ इतना बड़े जोरदार से लड़े और मुझे लगता है कि ठीक है कभी कभी हार होती है कभी कभी जीत होती है पर जो हार हो गई है तो अभी बात क्या मानू और मैं अध्यक्ष मैं आखिर में पंचित अर्जुन को जोड़ना चाहूंगा एक बार पंचित अर्जुन जरूरत है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज पंचित अर्जुन को यहां लगाने का भक्ति बनाने का मुझे सौभाग्य मिला है बहुत दिन से मेरे चार और घंटे थे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या आपके स्वच्छ भारत अभियान हो अभी मैं देखते आ रही हूं पूरे देश में
योजना जिसके बारे में बार बार आप लोगों ने बात करी थी, उसने योजना कैसे है जाने।